21 जुलाई को शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स और निफ्टी धड़ाम होकर बंद हुए। आइए जानते हैं कि शेयर बाजार में किन वजह से ये गिरावट देखी गई है। लगातार 6 दिनों तक मार्केट में काफी चहल पहल रही। अब 21 जुलाई को मार्केट धड़ाम से नीचे आ गया। कुछ बड़ी कंपनियों ने जून तिमाही के कमजोर नतीजे जारी किए, जिन्होंने माहौल को खराब किया। कमजोर वैश्विक संकेतों और DIIs की बिकवाली ने भी सेंटीमेंट पर असर डाला। सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों इंट्राडे में 1.5% से ज्यादा टूट गए थे। PSU बैंक, मीडिया और रियल्टी समेत कुछ सेक्टर के स्टॉक्स को छोड़कर बाकी में बिकवाली का दबाव दिखा। आइए जानते हैं कि शेयर बाजार में गिरावट की क्या रही अहम वजहें। नंबर 1, इंफोसिस से तगड़ा झटका। मार्केट को 21 जुलाई को सबसे तगड़ा झटका इंफोसिस ने दिया। IT सेक्टर की इस दिग्गज कंपनी के लिए जून तिमाही खास नहीं रही और कंपनी ने इस फाइनेंशियल ईयर के लिए रेवेन्यू गाइडेंस भी कम कर दिया। इसके चलते इन्फोसिस करीब 10% टूट गया। इन्फोसिस की स्थिति के चलते सिर्फ इसके शेयर ही नहीं बल्कि पूरा मार्केट हिल गया। इनट्रेड इक्विटीज के वाइस प्रेसिडेंट गौरव बीसा के मुताबिक शॉर्ट से मीडियम टर्म में ये 1200 से 1500 रुपए की रेंज में ऊपर नीचे हो सकता है। लॉन्ग टर्म निवेशक इस गिरावट का फायदा खरीदारी के लिए उठा सकते हैं। गौरव का मानना है कि 18 से 24 महीने में इन्फोसिस नई ऊंचाई पर पहुंच सकता है। पिछले साल 1 दिसंबर 2022 को ये 1672.45 रुपए के रिकॉर्ड हाई पर था। नंबर 2, रिलायंस और HUL में गिरावट। सेंसेक्स और निफ्टी 50 पर सबसे ज्यादा वेटेज रिलायंस का है। रिलायंस ने अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज यूनिट को अलग कर दिया है, जिसके चलते इसके शेयर धड़ाम से 3% टूट गए। इसके अलावा HUL के भी शेयर जून तिमाही के नतीजे पर फिसल गए। इसकी सेल्स वॉल्यूम जून तिमाही में महज 3% बढ़ी, जिसके चलते शेयरों को झटका लगा। HUL के शेयर 3% से ज्यादा टूट गए हैं। नंबर 3, वैश्विक बाजारों में गिरावट। इस साल 40% की तेजी के बाद 20 जुलाई को नैस्डैक में मार्च के बाद की सबसे तेज गिरावट रही। टेस्ला और नेटफ्लिक्स जैसी दिग्गज टेक कंपनियों के शेयरों में नतीजे के बाद की तेज गिरावट के चलते नैस्डैक को झटका लगा। अब इससे दुनिया भर में बियरिश ट्रेंड के संकेत मिल रहे हैं। जापान का निकेई 0.6% फिसल गया। चीन की ब्लू चिप कंपनियां 0.2% टूट गयी। हालांकि हांगकांग के हैंगसांग में 0.4% की तेजी आई। और चौथी वजह है टेक्निकल। ऐसा नहीं है कि मार्केट की गिरावट पूरी तरह से चौंकाने वाली है। घरेलू ब्रोकरेज फर्म ICICI सिक्योरिटीज के एनालिस्ट के मुताबिक निफ्टी 50 पिछले 15 दिनों में 1100 पॉइंट से ज्यादा ऊपर चढ़ा और ये ओवरबॉट स्थिति में पहुंच गया। ऐसे में मुनाफा वसूली को पूरी तरह से उम्मीद के विपरीत नहीं कह सकते। ब्रोकरेज फर्म के मुताबिक इस गिरावट को खरीदारी के मौके के रूप में देखना चाहिए। निफ्टी को 19500 के लेवल पर सपोर्ट मिल रहा है। बता दें कि मनी कंट्रोल हिंदी पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।